एक कप चाय उनके नाम जिनके सिर में मारी वजह से दर्द है। और ज्यादा दर्द करने के लिए हम एक कप चाय और पी सकते हैं। हे व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, आज का दिन है बेहद स्पेशल, क्योंकि भाई बहुत लंबे समय के बाद आज वो दिन जिसका हम कुछ महीनों से इंतज़ार कर रहे थे और आप लोग भी कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे इस चैनल पे होने जा रही हैं। और बीच में काफ़ी टाइम हो गया यार, कुछ वीडियोस नहीं आई, लेकिन माफ़ी चाहेंगे उसके लिए आप लोगों से कि कुछ कंटेंट नहीं आया, क्योंकि बहुत शांत सा समय गया बीच वाला। लेकिन आज से शुरू कर रहे हैं हम, दोबारा से आगाज़ कर रहे हैं और अब कंटेंट ही बाहर लेके आएंगे। तो अभी उठा हूँ सुबह सुबह, भाई आज है अपनी गाड़ी की डिलीवरी, थार की डिलीवरी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसको हम इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जा रहे हैं। तो अब नहा धोके रेडी होते हैं और करते हैं कनेक्ट फिर। हेलो जी, रेडी होके सुबह सुबह और निकल गए आज, और बस अब यहाँ से 2 से 3 घंटे की अपनी ट्रैवलिंग है। ट्रैवल करके हम लोग पहुँचेंगे फरीदाबाद, देन सबसे पहले जाके गाड़ी चेक करेंगे। गाड़ी चेक करने के बाद कार्रवाई की शुरुआत होगी, डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मिला देते हैं अपनी थार से आज, सब्र करो थोड़ा सा। और सो फाइनली जी पहुंच गया जी हम अपने डेस्टिनेशन पे, जहां से लेनी हमने गाड़ी की डिलीवरी, और सभी भक्तजन ये सारी पब्लिक भाई एक गाड़ी के चक्कर में देख लो इतने लोग आए हुए, लेकिन क्या करें, इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन में सबको हिस्सा बनना चाहिए, और ये सब आज उस मोमेंट का पार्ट बनेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे किले फतेह करने हैं। और भाई गाड़ी हमने देख ली अपनी, बाहर खड़ी है वहां कहीं पीछे, देखो यार देखो ये खड़ी गई है, ये रही भाई लोग, इसने खरीद तो ली है मगर चलानी तो हम नहीं है। भाई हम जगत गाड़ी ले रहे हैं। सबकी गाड़ी बापू मेरे लगे में बिल बिल पढ़ने में कहीं ज्यादा तो नहीं ले लिया, 2-4 पैसे दो। बापू कह रही थी 100 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया। भाई कुछ कह रहे हो आप, वो पैसा एक्स्ट्रा ले लिया क्या? कितना पैसा ले लिया? माय गॉड, मैं इसके खिलाफ केस करूंगा पिताजी, क्या बोलता है ना? 1500 रुपए ले कैसे लिया? ये 1500 रुपए 18 लाख की गाड़ी में 1500 रुपए ले कैसे लिए? मैं मट्टी पे 1500 के पीछे। लेकिन बापू को खुश कर गया, तो उसके ऊपर ये नहीं देख रहे कि उसके अंदर टैक्स लिखा हो 1.25 लाख रुपए से ज्यादा का मिला, ये टैक्स पड़ा हमने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन का कितना है, कहते कितना है, मैंने मैंने कहा इसके अंदर ध्यान से पढ़ो, इन्होंने पढ़ा 12500, मैं 12000 नहीं ध्यान से देखो 1,25,000, फिर मैंने 1500 की बात नहीं। अबे तू भी एक्साइटेड, आपसे एक बार बहुत ज्यादा, अ न्यू जर्नी बिगिंस बिगिंस एट महिंद्रा। कितने जाना है? कहीं नहीं घर ले बेटे ले जाएंगे सीधा ले ये बेटे ले गाड़ी लो और ले भाई अभी कुछ ही टाइम में मेरा सेकंड क्राइम पार्टनर जिसने इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है जीत कटारिया। तो स्वागत है भाई, देखो जैसा मैंने बोला था जीता टाइम पे पहुंच जाएगा, जीता टाइम पे पहुंच गया मेरा जीता पपीता। आप एक आप लोगों ने यूट्यूब को छोड़ना नहीं है, इतने नजारे आने वाले हैं ना, इससे पहले वाले जो ट्रिप हुए ना इंडिया टू फ्रांस वाले वहाँ ही देखने को मिले, वहाँ ये जुगलबंदी आपको बहुत कुछ दिखाने वाली है, जुड़े रहिए हमसे बाकियों से नहीं, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। छोड़ना नहीं, अभी हम अपनी गाड़ी ढूंढ रहे हैं कौन सी हमारी मिलेगी, फटाफट मिलेगी। सेलिब्रेशन अपनी कुछ ही क्षणों में स्टार्ट होगी, क्योंकि गाड़ी कह रहे हैं कि 6 मिनट के अंदर डिलीवर हो जाएगी। जीता पपीता इधर, सेकंड फादर उधर, सिस्टर प्रीति के नाल फादर साहब और नाल सैंडी सारे रेडी बैठे हैं भाई, सिर्फ
एक गाड़ी के इंतजार में इतने सारे लोग, अगर इन्होंने ज्यादा समय लगाया तो बस ये भी फैक्ट है भाई, उसमें सीट है चार, चार सीट के ऊपर इतने सारे लोग कैसे बैठे। तो एक काम कर, तू कार्यची कार्रवाई कर, हम निकलते हैं पैदल गेड़े में ले जाएंगे। ये देख लो भाई, ये व्यक्ति है जो मुझे पैदल भेजने पे तुला पड़ा, ध्यान से देख लो मेट्रो। एक बार रैपिड शुरू हो जाए ना पानीपत तक, फिर मैं मेट्रो से भी चला जाऊंगा। तो भाई थोड़ा सा वेट और करो, और बस आ रहे हैं उसी क्षण पे जिसका इंतजार है। गाड़ी अपनी धुल धुला के बाहर निकल गई है, और ये देखो भाई जीत करा फोटो सेशन, ये खड़ी अपनी गाड़ी। लेकिन समस्या क्या आ रही है, समस्या आ रही है ये कि सुबह से हम लोग आए हुए और अभी तक गाड़ी हमारी रेडी नहीं हुई है। और भाई ये देखो हमारी गाड़ी पे यहाँ दे दिए स्क्रैचेस दो, इन स्क्रैचेस की वजह से हमने इस गाड़ी को कर दिया साइड, और ये होगा बोनेट चेंज। भाई जीते, कैसी सर्विस है इनकी? सच में बेकार है, बेहतर होने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, हम 3 घंटे बैठने के बाद इनके पीछे वर्कशॉप में गए, पीछे लग के, पीछे लगने के बाद ये आगे पुश होकर आई है। नहीं वरना तो, अगर हम भी अंदर बैठ रहे तो ये भी बैठे रहते हैं, वरना ह्यूंडई की वरना। तो भाई सिर्फ कहना, कोई ऑप्शन नहीं है, महिंद्रा का कोई ऐसा कंपटीटर नहीं है। अदरवाइज ये इनके भाव जो इतने चढ़े हुए हैं ना, ये इसी वजह से चढ़े हुए हैं, और होना चाहिए। और सिर्फ एक ही ब्रांड है जो इन्हें टक्कर दे सकता है इन फ्यूचर, वो है टाटा। तो टाटा हमारी बात सुनो, कुछ अच्छा 4x4 में प्रोडक्ट लेके आओ, बहुत ज़रूरत है। सफारी लेके आए रहो, इनको काबू आप ही कर सकते हो भाई, और किसी के बस की नहीं। तो भाई देखते हैं अभी कितना और टाइम ये लगाएंगे, और उसके बाद कब जाके हमारी डिलीवरी होगी। 4 बजने को है, 3 बजे को, और बहुत डिले कर दिया सिस्टम। देखते हैं भाई कितनी देर में डिलीवरी होती है। भाई सुबह से वेट करते करते अब भाई का पेशेंस जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन इसकी एकेडमी के बच्चे वेट कर रहे हैं, और हमारा डिलीवरी का जो था शेड्यूल टाइम वो 4 घंटे की देरी से चल रहा है। जैसे ट्रेन लेट चलती है 4 घंटे, यस 4 घंटे की देरी से चल रहा है, और यहाँ का सिस्टम इज़ वाहियात। अब भाई को निकलना पड़ेगा, क्योंकि राम भाई सारे ना, हाँ, so, और ऐसी एजेंसी को भी राम राम है। मिलेंगे जल्दी आपसे, डिलीवरी आप देखो एंजॉय करो, इसके बाद जो आप देखने जा रहे हो वो डिलीवरी को एंजॉय करो। गाड़ी बम्ब लग रही है, बम्ब लग रही है, ये गल से, ये बम्ब कल से NCR की सभी सड़कों पर नजर आने वाला है ये बात। चल मेरे भाई, ठीक है जी, तो मिलते हैं, जीते को करते हैं फ्री, और हम वेट करते हैं कि गाड़ी कब तक मिलेगी। ये देखिए, ये आंखें तरस गई है गाड़ी का इंतजार कर रहा है। इंतजार बहुत लंबा हो गया है भाई, भाई तो सूख गया, कांटा हो गया, सूख गया, इनकी डिलीवरी नहीं हो रही। क्या कर रहा है, चलो कोई नहीं, चलो भाई ठीक, देखते हैं। 5 बजने को हैं और गाड़ी की डिलीवरी अभी तक हुई नहीं है। हम एज इट इज खड़े हैं प्राइम ऑटोमोबाइल्स पे, वाहियात एक्सपीरियंस फेस करते हुए, अब यहीं बाहर खड़े होकर कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी पी पी के अनशन कर रहे हैं, और अनशन करके ये कॉफ़ियों के गिलास पीछे गाड़ियों पे रख दिए, नई गाड़ियों पे। ये हमारा वे ऑफ प्रोटेस्टिंग है, प्रोटेस्टिंग, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉफ़ी पी पी के, और इन वाहियात पना झेल रहे हैं इनका, ठीक है। ये देख लो भाई, सब लोग वेट कर रहे हैं, किसी के जूं तक नहीं रेंग रही, मैं बता रहा हूँ, उड़े क्या कहने, वाह महिंद्रा वाह। बस ये ऐसे ही टोयोटा नहीं है, कुछ तो काम करती है टोयोटा, चाहे कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो या प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन हो, महिंद्रा है वाहियात। चलो देखते हैं कितनी और देर लगेगी, इंतज़ार करते हैं इस वाहियात पने का, और मिलते हैं फिर, अब तो लेनी तो है ही डिलीवरी। तो बहुत समय की देरी के बाद सुबह के पहुँचे, और शाम को आते आते डिलीवरी की वो अंतिम घड़ी आ ही गई। डिलीवरी के लिए ये मॉन्स्टर मारा भीतर जाके खड़ा हो गया। ये मॉन्स्टर नहीं, वो पीछे वाला। सो भाई 6 बजे, सुबह 11 बजे आए थे, 6 बजे अब देखो ये डिलीवरी के लिए अब तैयारी हो रही है, यही हालत हो रही है, गुची गुची गु पगला गए पगला। तो फाइनली अब शायद 15-20 मिनट आधे घंटे में अभी भी जाके डिलीवरी हो जाए तो बड़ी बात है, एंड This is all
happened at Prime or Prime Mahindra Automobiles फरीदाबाद। लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली अब जाके यहाँ से फ्लैग ऑफ बोले तो गाड़ी की डिलीवरी होने लगी है, लेकिन देर है दुरुस्त है। अब अंधेरा भी हो गया भाई, देखो सुबह से निकले थे और अब जाके गाड़ी की डिलीवरी होगी। सो उठाते हैं लाल घूंघट इसका, ठीक है जो स्वागत है जी, ये लो। सो हमारी फाइनली थार लो जी, थार डिलीवरी चले बहुत भाई।